Hey, man, what's up? Get him, man. You can't kill him, man. Get Jackie. I said, get him, man. लोकतंत्र का पर्व और जनता की सेवा, इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं है। इसलिए हम पर्व में भी घूम रहे हैं, जनता के बीच में हैं, क्षेत्र में हैं और लोगों की समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम उम्मीदवार हैं तो मेरा कर्तव्य है कि हम जनता की समस्या को लोगों से मिल रही है। तो क्या प्रमुख समस्या लोग बता रहे हैं? समस्या बता रहे हैं, हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत है। तो पानी की समस्या है, नल जल की सुविधा तो सरकार ने दे रखी है, पर पिछले जो जिला परिषद में थे या मुखिया में थे, पंचायत राज में जो लोग भी थे, शायद किसी कारणवश नहीं किए। उस पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन जब भी हम चुनाव जीत करके आएंगे तो इनकी समस्या का हम समाधान करेंगे। क्या प्राथमिकता होगी जो सबसे बड़ी क्षेत्र में जो समस्या आ रही है, तो प्राथमिकता क्या होगी, कौन सी समस्या को दूर करेंगे? प्राथमिकता हमारी रहेगी जो मेरे साथ में समस्या जो देख रहे हैं लोगों के बीच में है, पानी की समस्या है, गली की समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, जो जिला परिषद का अधिकार के अंतर्गत होगा उस काम को हम करने का काम करेंगे। मैं संजू साहु समाज सेवी, अपनी पत्नी अनिता देवी के, क्षेत्र संख्या 19 के उम्मीदवार अनिता देवी, जिनका चुनाव चिन्ह है क्रम संख्या 3 पर लेटर बॉक्स, उनके जन समर्थन हेतु हम लोग यहाँ के क्रिक नवादा के तमाम जनता एवं मिसिरपुर के तमाम जनता उपस्थित में यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों का अपार प्रेम मुझे मिल रहा है कि हमने अपने सामाजिक गतिविधियों के द्वारा जो समाज को दिया है, इन लोगों को भी भरोसा है कि जिस तरह गया जिला में हमने विकास का काम किया है, उसी तरह हमारे क्षेत्र में भी विकास का काम करेंगे। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस क्षेत्र की मैं 8 पंचायत में घूमा हूँ, मूलभूत सुविधा में सबसे बड़ी व्यवस्था मुझे कमी दिख रही है कि रोड का व्यवस्था और नाली का व्यवस्था किसी क्षेत्र में नहीं है। आर्थिक रूप से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, शैक्षणिक क्षेत्र से भी कमजोर हैं। हम यहाँ की जनता से आह्वान करते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में शिक्षा के सुधार के लिए भी मैं अपने स्तर से बेहतर प्रयास करूंगा। यहाँ नल जल योजना के तहत जो भी विकास हुआ है, विकास धरातल पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ जनता जानती है। तो क्या लग रहा है जिनको मौका मिला उन लोगों ने काम नहीं किया? जिनको मौका मिला तो यहाँ की जनता बताएंगी। मैं तो नया प्रत्याशी हूँ, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं जानकारी है। अब मैं किसी भी जनप्रतिनिधि का शिकायत करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बातें जनता को रखने आया हूँ कि आगे एक बार मुझे मौका दें। मौका देंगे तो आपके क्षेत्र का विकास, आपका नाली रोड, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए सदैव जब भी जरूरत होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा।